अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज मोहसिन अली सुमरो। आई हैव डिसाइडेड टू मेक माय यूट्यूब चैनल एंड अपलोड सम फिजिक्स लेक्चर्स। आई एम अ फिजिक्स लेक्चरर। टुडे आई हैव डिसाइडेड दैट आई वांट टू शेयर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फिजिक्स, especially this topic that we have studied in chapter number vectors, chapter number 2 of class first year. We are going to discuss this topic, but especially whatever the lectures we are going to give on the YouTube, they must be in Sindhi language. This is our aim, to utilize each and every topic of physics in Sindhi language, and inshallah we will upload further lectures. But today the topic that we are going to study or to discuss is about the vectors, and this topic that we have to discuss is very very important in the field of physics as well as in the different fields related to the science. Okay, again assalamu alaikum to all of you. Mujhe naam Mohsin Ali Sumro hai, main paan physics jo lecturer aaya mun ya koshish pe kai ta physics ja kuch lectures se YouTube te paan upload kajan, ऐं उहे लेक्चर्स जेकी मां अपलोड कंदुसि उहे पाण सिंधी लैंग्वेज में जेको आहे सो उन्हनि खे अपलोड करण जी कोशिशि कंदासीं। अॼु जेको टॉपिक मां पहिरियों पहिरियों लेक्चर आहे, ओब्वियसली कोशिशि कंदो त सीरीज़ में अव्हां जे साम्हूं शेयर कयां, पर हीउ जेको टॉपिक आहे उहो अव्हां जे साम्हूं मां रखंदुसि। इलाही इंपॉर्टेंट टॉपिक आहे फिज़िक्स जो। हीउ टॉपिक असां वटि चैप्टर नंबर 2 फस्ट ईयर जी फिज़िक्स जो वैक्टर्स जेको आहे असां वटि उन में हीउ टॉपिक स्टडी कयो वेंदो आहे। चैप्टर नंबर 2 असां वटि वैक्टर्स चैप्टर आहे, माना वैक्टर्स में जेको आहे सो हिन जो रोल आहे, ऐं हिन टॉपिक खे चऊं था रिज़ोल्यूशन ऑफ अ वैक्टर इन अ प्लेन। जीअं त सभ खां पहिरियों पहिरियों अवां कुझु शयूं स्टडी करे आया आहियो, उहे इहे शयूं स्टडी करे आया आहियो त असां वटि जेकी वैक्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़ हूंदियूं आहिनि उहे तव्हां कुझु इन तरह सां डिस्क्राइब कंदा आहियो त दोस क्वांटिटीज़ which can be described by their proper magnitude, unit, and it has the specific direction. ठीकु आहे न, त वैक्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़ जे बारे में अवां इहा शइ स्टडी करे आया आहियो त अहिड़ियूं फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिन वटि प्रॉपर मैग्नीट्यूड यूनिट सां गॾोगॾु गर हिकु स्पेसिफिक डायरेक्शन हुजे, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द वैक्टर्स इज़ दैट इट मस्ट ओबे द लॉज ऑफ वैक्टर एडिशन। इहो वैक्टर एडिशन जा लॉज बिल्कुल ओबे करे तॾहिं ई चवंदासीं इहो असां वटि वैक्टर फिज़िकल क्वांटिटी आहे। छो जो फिज़िक्स में कुझु फिज़िकल क्वांटिटीज़ अहिड़ियूं बि आहिनि जिन वटि प्रॉपर मैग्नीट्यूड यूनिट सां गॾोगॾु गर डायरेक्शन बि आहे, पर तंहिं हूंदे बि हू वैक्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़ न आहिनि। लेट सपोज इलेक्ट्रिक करंट, असां वटि इलेक्ट्रिक करंट हिकु वाहिद फिज़िकल क्वांटिटी आहे जंहिं वटि डायरेक्शन बि आहे, पर डिस्पाइट दिस फैक्ट इट इज़ अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ वैक्टर एडिशन। ठीक है, ये शयूं तव्हां डिस्कस करे आया। ओके, त वैक्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़ इहे थींदियूं आहिनि, असां वटि वैक्टर एडिशन थींदी आहे, वैक्टर सब्ट्रैक्शन थींदी आहे, वैक्टर मल्टीप्लीकेशन थींदी आहे, वैक्टर डिवीजन थींदी आहे, ऐं उन सां रिलेटेड मुख़्तलिफ़ शयूं। अॼु असां वैक्टर जो जेको इलाही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करण वारा आहियूं उहो आहे रिज़ोल्यूशन ऑफ अ वैक्टर इन अ प्लेन। हिकिड़ी शइ यादि करे छॾियो, असां वटि सिंध टेक्स्ट बुक में ही चैप्टर नंबर 2 जो जेको हीउ टॉपिक आहे, इहो टॉपिक इलाही मुख़्तलिफ़ फस्ट ईयर जी फिज़िक्स जे ॿियनि चैप्टर्स में कमु अचे पियो। लेट सपोज चैप्टर नंबर 3 में जॾहिं तव्हां इनक्लाइंड प्लेन वारो टॉपिक पढ़ंदा त उन में असांखे रिज़ोल्यूशन ऑफ वैक्टर कमु ईंदो आहे। इन खां अलावा अवां जॾहिं चैप्टर नंबर 8 में सिंपल पेंडुलम टॉपिक पढ़ंदा त उन में बि असां वटि रिज़ोल्यूशन ऑफ वैक्टर कमु ईंदो आहे। अच्छा, जेकॾहिं तव्हां चैप्टर नंबर 5 या 6 खे तव्हां स्टडी करे पिया वठो त उते हिकिड़ो टॉपिक आहे बैंकिंग ऑफ द रोड्स, सर्कुलर मोशन में हिकिड़ो टॉपिक आहे, उते बि असां वटि रिज़ोल्यूशन ऑफ वैक्टर कमु ईंदो आहे। अच्छा, अगरि जेकॾहिं तव्हां चैप्टर नंबर 4 प्रोजेक्टाइल मोशन में हलिया था वञो त उते बि असां वटि रिज़ोल्यूशन ऑफ वैक्टर जो कमु ईंदो आहे। त मक़सदु चवण जो इहो त हीउ फिज़िक्स जो इलाही इंपॉर्टेंट टॉपिक आहे, ऐं इन सां रिलेटेड मां कुझु अहिड़ियूं शयूं अव्हांखे ॿुधाईंदुसि जेकी फिज़िक्स जे मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स में या मुख़्तलिफ़ फील्ड्स में मुख़्तलिफ़ हंधनि ते अव्हांखे जेको आहे सो ईज़ीनेस फील थींदी, ऐं इहा शइ ॿुधाईंदुसि त हाउ वन कैन रिज़ोल्व अ वैक्टर, त वैक्टर खे कहिड़ी तरह सां पाण जेको आहे सो रिज़ोल्व करे सघूं था। ओके, सभ खां पहिरियों पहिरियों त हिन टॉपिक जे वर्डिंग खे सम्झूं त हिन जो मक़सदु छा आहे।
असां वटि हीउ जेको टॉपिक आहे रिज़ोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रिज़ोल्यूशन जो मक़सदु छा आहे? असां वटि रिज़ोल्यूशन चयो वेंदो आहे कंहिं बि शइ खे डिवाइड करणु, ठीकु आहे न, कंहिं बि शइ खे स्प्लिट अप करणु, डिवाइड करण वारे तरीक़े खे रिज़ोल्यूशन चयो वेंदो आहे। लेट सपोज मूं वटि हीअ हिकिड़ी पेन आहे, हथ में मौजूदु आहे। हाणे अगरि हिन मार्कर पेन खे मां जेकॾहिं ॿिनि हिसनि में डिवाइड कयां थो, फॉर योर इंफॉर्मेशन ॿुधाए छॾियां, मूं वटि हीअ हिकिड़ी पेन आहे। इट मीन्स लेट सपोज दिस इज़ अ सिंगल वैक्टर, लेट ट्रीट दिस पेन एज अ सिंगल वैक्टर। हिन पेन खे असां एज अ सिंगल वैक्टर तौरु ट्रीट कयूं पिया। हाणे मां अगरि हिन पेन खे ॿिनि हिसनि में डिवाइड कयां त दिस स्प्लिट्स अप इन टू द टू पार्ट्स। ओके, हाणे अगरि हिन ॿिन्ही हिसनि खे मां कुझु अहिड़ी तरह सां सेटअप कयां जो हिकिड़े जो इफेक्ट हुजे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ॿिए जो इफेक्ट हुजे अलॉन्ग वाई एक्सिस, त अहिड़े तरीक़े खे पाण चवंदा आहियूं रिज़ोल्यूशन ऑफ अ वैक्टर इन अ प्लेन। हिकु अहिड़े क़िस्म जो तरीक़ो जंहिंमें कंहिं सिंगल वैक्टर खे ॿिनि हिसनि में डिवाइड कयो वेंदो आहे, पर कुझु अहिड़े तरीक़े सां जो हिकिड़े जो इफेक्ट हुजे अलॉन्ग एक्स एक्सिस ऐं ॿिए जो इफेक्ट हुजे अलॉन्ग वाई एक्सिस, त अहिड़े क़िस्म जे तरीक़े खे पाण चवंदा आहियूं रिज़ोल्यूशन ऑफ अ वैक्टर इन अ प्लेन। वैक्टर्स चैप्टर में ॿ लफ़्ज़ यूज़ थींदा अथव, हिकिड़ो लफ़्ज़ यूज़ थींदो आहे प्लेन, ॿियो लफ़्ज़ यूज़ थींदो आहे स्पेस। असां वटि जेको हीउ प्लेन लफ़्ज़ आहे उहो प्लेन लफ़्ज़ यूज़ थींदो आहे ॿिनि कोऑर्डिनेट सिस्टम ते। असां वटि थ्री डायमेंशनल शेप हूंदो आहे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ज़ेड एक्सिस, त प्लेन शेप यूज़ थींदो आहे ॿिनि एक्सिस जे लाइ। एक्स कमा वाए असां वटि हीउ प्लेन थी वियो। अहिड़ी तरह असां जेकॾहिं स्पेस यूज़ कयूं त स्पेस असां वटि थी वेंदो एक्स कमा वाए कमा ज़ेड। इट मीन्स दिस इज़ अ थ्री डायमेंशनल, बट वट एवर द रिज़ोल्यूशन वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ ऑफ दी टू डायमेंशनल, इट मीन्स इन अ प्लेन। ठीकु आहे न, त कंहिं बि हिकु सिंगल वैक्टर खे ॿिनि हिसनि में डिवाइड कयूं पिया, पर कुझु अहिड़ी तरह सां जो हिकिड़े जो इफेक्ट हुजे अलॉन्ग पॉज़िटिव एक्स एक्सिस ऐं ॿिए जो इफेक्ट हुजे अलॉन्ग वाई एक्सिस, त अहिड़े क़िस्म जे तरीक़े खे पाण चवंदा आहियूं रिज़ोल्यूशन ऑफ अ वैक्टर इन अ प्लेन। ओके, या हिन जी ॿी डेफिनेशन ईअं बि थी सघे थी त अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप। वट यू मीन बाए टर्म स्प्लिटिंग अप? स्प्लिटिंग अप जो मक़सदु हूंदो आहे हुन शइ खे डिवाइड करणु, हुन शइ खे टोड़णु, हिकु सिंगल शइ खे टोड़णु ॿिनि हिसनि में, त अहिड़े तरीक़े खे चयो वेंदो आहे रिज़ोल्यूशन ऑफ अ वैक्टर इन अ प्लेन। चलो, हीअ असां हिन वक़्तु ताईं डेफिनेशन सम्झी वरितीसीं त कहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो वैक्टर खे जेको आहे सो रिज़ोल्व कयो वेंदो आहे, हिन जी डेफिनेशन। अच्छा, हाणे इहा शइ सम्झण जी कोशिशि कयूं त आख़िर उहे कहिड़ा वैक्टर्स आहिनि या कहिड़ी एंगल ते वैक्टर्स हूंदा जिन खे पाण रिज़ोल्व करे सघूं था। एट वॉट एंगल्स दी वैक्टर्स आर रिज़ोल्व, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू स्टडी। हिकिड़ी शइ सम्झो, सपोज़ कयो असां वटि न ही हिकिड़ो कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूदु आहे। सपोज़ कयो असां वटि हीउ हिकिड़ो सर्कल मौजूदु आहे, हीउ हिकिड़ो सर्कल असां वटि मौजूदु आहे। अगरि असां हिन सर्कल खे थोरो ॾिसी वठूं त हीउ सर्कल जेको असां वटि मौजूदु आहे, इन सर्कल खे मैथमेटिक्स में जॾहिं ट्रिग्नोमेट्रीअ मां पढ़ंदा आहियो त इन सर्कल खे न असां चइनि हिसनि में डिवाइड पिया कयूं, लाइक दिस। असां हिन चइनि हिसनि में डिवाइड पिया कयूं लाइक दिस, असां वटि हीउ चारि पार्ट्स मिली विया। हाणे हिनखे ट्रिग्नोमेट्री जी लैंग्वेज में चयो वेंदो आहे क्वाड्रेंट्स, ठीकु आहे। This is a first quadrant, this is a second quadrant, this is a third quadrant and this is a fourth quadrant. त असां वटि इहे क्वाड्रंट्स थी पिया। अहिड़ी तरह असां ज्योमेट्री लैंग्वेज में हिनखे चवंदा आहियूं पॉज़िटिव एक्स एक्सिस, हिनखे चवंदा आहियूं नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऐं हिनखे चवंदा आहियूं पॉज़िटिव वाई एक्सिस, ऐं हिनखे चवंदा आहियूं नेगेटिव वाई एक्सिस। त असां वटि जेको आहे सो ही चारि क्वाड्रंट्स मिली विया। अहिड़ी तरह जेकॾहिं तव्हां एंगल सिलेक्ट करणु चाहियो त असां वटि हाफ ऑफ द सर्कल असां वटि ज्योमेट्री बॉक्स में डी स्केल मौजूदु हूंदो आहे। त अहिड़ी तरह असां हितां एंगल स्टार्ट कंदा आहियूं ज़ीरो डिग्री, जॾहिं हीअ एंगल रोटेट करे हिते पहुचंदी आहे त हिते असां चवंदा आहियूं 90 डिग्री, हिते सर 180 डिग्री, हीअ 270 डिग्री, ऐं हीअ सॼो सर्कल जॾहिं कंप्लीट थींदो आहे त असां वटि हीअ 360 डिग्री यानी 360 डिग्री असां वटि मिली वेंदी आहे। अहिड़ी तरह हीअ असां हिकिड़ो रेफरेंस फ्रेम कयोसीं सर्कल जो। हाणे इहा शइ सम्झण जी कोशिशि कयूं पिया त आख़िर उहे कहिड़ा वैक्टर्स आहिनि जिन खे पाण रिज़ोल्व करे सघूं था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हिकिड़ी शइ सम्झो, अगरि सपोज़ कयो हिकिड़ो बॉक्स आहे, मां उहो हिन 0 डिग्री ते हिकिड़ो बॉक्स रखां पियो लाइक दिस, ऐं हिन 0 डिग्री ते बॉक्स रखी करे माना लाइक दिस 0 डिग्री ते उहो हिन डायरेक्शन में फोर्स लॻायां पियो, त मूंखे इहो ॿुधायो त हीउ बॉक्स एक्स एक्सिस में मूव कंदो या वाई एक्सिस में मूव कंदो, या माइनस वाई में मूव कंदो या माइनस एक्स में मूव कंदो। माना जेकॾहिं हिन कोऑर्डिनेट सिस्टम खे सेटअप करे त हीअ हिकिड़ी पेन आहे, हिन पेन खे फोर्स थो लॻाए एक्स एक्सिस में, त हिन पार्टिकल जो मोशन हाणे एक्स में हूंदो, वाई में हूंदो, माइनस वाई में हूंदो या माइनस एक्स में हूंदो। त तव्हांजो जवाबु हूंदो त सर हीउ जेको बॉक्स आहे जंहिंखे तव्हां फोर्स लॻायो आहे, त इन बॉक्स खे जेको फोर्स लॻायो आहे सर इहो हिकु डायरेक्शन में फोर्स लॻायो आहे, त ऑब्वियसली इन पार्टिकल जो मोशन एक्स एक्सिस में हूंदो। इहा शइ पॉसिबल न आहे त इहो पार्टिकल वाई में मूव करे, मां हिन पेन खे हेॾे हलायां त हीअ पेन मथे वञे, न,
यानी पार्टिकल के जन डायरेक्शन में फोर्स लगाया पे वो पार्टिकल उन्हें डायरेक्शन में मूव कर दो। अच्छा अगर इन्हें पेन के बोला वर्टिकली मध्य उछलाया 90 डिग्री थे तो ऑब्वियसली ही वाई एक्सिस में मूव कर दो। अच्छा अगर 180 डिग्री थे इन साइड उछलाया थ्रो किया तो ऑब्वियसली इन डायरेक्शन में मूव कर दो। 270 थे 360 थे तो ही असा वटी जकी 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 या 360 ये कुछ एडियो क्वाड्रेंटल एंगल्स मिलन पयो जिनमें पार्टिकल जो मोशन वन डायमेंशनल मोशन है। एकरी शे समझो वन डायमेंशनल मोशन छा के चय विंदो वन डायमेंशनल मोशन उन के चय विंदो जे में पार्टिकल के एक एक्सिस में मूव करे। ठीक है ना अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस में थोड़ो कोई पे तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस में मूव करो वाई में थोड़ो ताके तो वाई में मूव करो माइनस वाई में मूव ताके तो माइनस वाई में मूव करो या माइनस एक्स में मूव ताके तो ये असा वटे मोशन इन वन डायमेंशन जा एग्जांपल साइन। ओके तो ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स असा वटे अचे पई मनन एना सा रिलेटेड वे केडी शय पई जवन वे ये शय पई जवन तो असा वटे जकी एंगल्स आइन क्वाड्रेंटल एंगल्स आइन वे कुछ इन तरह सा नी लिखा पियो तो क्वाड्रेंटल एंगल्स असा वटी हिते के क्वाड्रेंटल एंगल्स मिलन पयो। अच्छा इनन क्वाड्रेंटल एंगल्स के कुछ इन तरह सा ट्रीट पे क्यों तो लिखा तो मोशन जिसमें जो एट 0 डिग्री अगर 0 डिग्री ते पार्टिकल जो मोशन हो जे अगर 90 डिग्री ते पार्टिकल जो मोशन हो जे अगर 180 डिग्री ते पार्टिकल जो मोशन हो जे अगर 270 डिग्री ते पार्टिकल जो मोशन हो जे या अगर 360 डिग्री ते पार्टिकल जो मोशन हो जे तो ये मोशंस के अलावा दीस आर नोन एज वन डायमेंशनल मोशन है तो ये असा वटे वन डायमेंशनल मोशन के अलावा ही असा वटे वन डायमेंशनल मोशन है। ओके तो असा वटे ही वन डायमेंशनल मोशन के अलावा मां वरी रिपीट किया है एटी लाइन शायद ता के कौन पे है जे मां वरी रिपीट किया तो इत मूल क्यों 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 360 ही इन एंगल्स से जगह के बॉडी के प्रोजेक्ट कराइंदा सी तो असा वटे ये वन डायमेंशनल मोशन हो दो। एकड़ी शे याद करे छियो तो वन डायमेंशनल मोशन के नेवर बी रिजॉल्व्ड कहीं भी वेक्टर के जो वन डायमेंशनल वेक्टर हो जे 0 डिग्री ते लोकेट कंदो हो जे 90 डिग्री ते लोकेट कंदो हो जे 180 डिग्री ते लोकेट कंदो हो जे 270 डिग्री ते लोकेट कंदो हो जे 360 डिग्री ते लोकेट कंदो हो जे तो ये सब वन डायमेंशनल वेक्टर जा एग्जांपल्स हैं इन इन वेक्टरन के कदे भी पाने रिजॉल्व नथा करे सको तो ये एकड़ी पॉइंट मा ते लिखा पियो नोटेड पॉइंट वो नोटेड पॉइंट करिया तो वन डायमेंशनल वेक्टर यानी 1D वेक्टर वन डायमेंशनल वेक्टर कैन नेवर बी रिजॉल्वड वन डायमेंशनल वेक्टर कदे भी रिजॉल्व नथा करे सकूं। अच्छा अगर वन डायमेंशनल वेक्टर रिजॉल्व नथा करे सकूं तो भला ओही केड़ा वेक्टर्स इन जिन के पाने रिजॉल्व करे सकूं ता दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करे छियो हिनन एंगल्स का अलावा 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री इन एंगल्स के अलावा भी जेकी भी एंगल्स हैं वे वेक्टर्स रिजॉल्व थी ना था। अगर सपोज के पार्टिकल जो है सो 30 डिग्री तो लोकेट करे तो माना ही वेक्टर कुछ वहीं पे मिले पार्टिकल जो है सो 30 डिग्री तो लोकेट करे पियो तो ही वेक्टर रिजॉल्व थी सके तो बिन कंपोनेंट्स में। अच्छा अगर पार्टिकल 45 डिग्री तो लोकेट करे पियो तो ही वेक्टर रिजॉल्व थी सके तो अगर पार्टिकल 60 डिग्री ते लोकेट करे तो ही वेक्टर रिजॉल्व थी सके तो न करे सो जो ही जो को वेक्टर आहे इहो वेक्टर हिन वक्त ड्रा जो को कहीं पे है ना वो कुछ वेक्टर असा के हिन तरह सा मिले पयो कि ही सपोज कि एक्स एक्सिस आ ही वाई एक्सिस आए तो असा वटे ही एक ट्री मा पेन अवा जे सामो रखा पयो तो ही एक्स एक्सिस ही वाई एक्सिस ही जो को वेक्टर मा ट्री ड्रा पयो कि लाइक दिस तो हिन वेक्टर के दिसो तो ही पार्टिकल ही वेक्टर आहे केड़े एक्सिस में ही एक्स में आया वाई में आया तो असन चंदासी सर ही एक्स में भी लोकेट करे तो वाई में भी लोकेट करे तो हिने वेक्टर जो इफेक्ट एक्स में भी आ तो वाई में भी आ तो एहड़ो वेक्टर जे जो इफेक्ट एक्स है वाई में हो जे यानी बे प्लेन में मौजूद हो जे टू डायमेंशनल के लायबो आयो तो उन वेक्टर के हमेशा असन रिजॉल्व कर सकूंगा जो टू डायमेंशनल वेक्टर हो जे तो ही वेक्टर रिजॉल्व थी सके तो ठीक है। अच्छा हिने एंगल के रोटेट करा दे ही वेक्टर रिजॉल्व थी सके तो हिने वेक्टर के एंगल के रोटेट करा दे ही वेक्टर रिजॉल्व थी सके तो ही वेक्टर रिजॉल्व थी सके तो मकसद जो जो 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 360 के अलावा जेकी भी वेक्टर्स हैं वे सब रिजॉल्व थी सकन था। ओके सो दिस इज नाउ वी वांट टू मेक द डेरिवेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो आखिर केड़े तरीके से जो है सो इन जी डेरिवेशन थे पे। अच्छा हां डेरिवेशन जेकर ऐसा निशान चाहिए तो व्हाट आर द फार्मूलास थ्रू व्हिच वी कैन ड्राइव द डिफरेंट रिलेशनशिप। हाँ डेरिवेशन कुछ इन तरह से थी
त असां वटि जेकी रेज़ोल्यूशन आहे वेक्टर जी जेका डेरिवेशन आहे उहो कुझु हिन तरह सां थींदी हाणे हिते मूंखे लिखणो पवंदो सपोज अ वेक्टर एफ इज़ लोकेटेड एट सम एंगल थीटा हाणे मां इहो कोन पियो लिखां बसि डायरेक्ट डेरिवेशन पियो करायां उहा कहिड़ी डेरिवेशन पियो करायां सपोज करे वठो त असां वटि जेकी ही असांखे शयूं मिलनि पियूं अच्छा मां हीउ थोरो ड्रायां पियो त जीअं जेको आहे सो डेरिवेशन अव्हांजे साम्हूं ईज़ीली करे सघां छो जो स्पेस कोन बचंदो हुन करे हीउ मां थोरो जेको आहे सो ड्रायां पियो ओके त हिन जी असां डेरिवेशन ते अचूं पिया त कहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो पाण डेरिवेशन करे सघूं था ओके हाणे असां हिन डेरिवेशन ते अचण जी कोशिश पिया कयूं हाणे डेरिवेशन कहिड़े तरीक़े सां थींदी डेरिवेशन ऑफ द फार्मूलास डेरिवेशन हिन तरीक़े सां थींदी सपोज़ कयो हिकिड़ो वेक्टर आहे लिखां थो हिन महिल सपोज़ अ वेक्टर हुन वेक्टर खे नालो थो ॾियां लेट नेम्ड दिस वेक्टर इज़ एफ is at angle theta you can angle they are but in a plane jo maqsad hai bin axis de vich de hai 0 degree dena hai 90 degree dena hai 180 degree dena hai 360 degree dena hai 270 degree dena hai par bin angle de vich de hai hane ne ki da resolution kiyo diso suppose ki asan vadi hi ikdo vector hai oh hi ikdo vector hai hane je kare hi ikdo vector draw kare wa hu लेट नेम्ड दिस वेक्टर एज एफ हिन वेक्टर खे मां एफ जो नालो थो ॾियां अच्छा अगरि हिन डायाग्राम खे पाण ॾिसण जी कोशिशि कयूं त हिन वेक्टर खे मां जेको एफ जो नालो ॾिनो आहे त हीउ वेक्टर मूंखे इहो ॿुधायो त एक्स एक्सिस ते मौजूदु आहे वाए ते आहे या माइनस वाए ते आहे या ॿिनि एक्सिस जे विच ते आहे त हीउ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे कंसेप्ट असां वटि जॾहिं सर्कल जो अचे पियो वञे त सर्कल जो जेको कंसेप्ट आहे हुन में हीउ एक्सिस अचे पियो वञनि त हीउ वेक्टर कुझु हिन तरह सां लोकेट पियो करे लाइक दिस त हीउ एक्स ऐं वाए जे बिटवीन आहे त हीउ वेक्टर रिज़ोल्व करे सघूं था ही वेक्टर रिज़ोल्व थींदो अगरि मां तव्हांखे चवां हीउ वेक्टर रिज़ोल्व करे ॾियो त हीउ वेक्टर रिज़ोल्व न थींदो अगरि मां तव्हांखे चवां हीउ वेक्टर रिज़ोल्व करे ॾियो त हीउ बि न थींदो अगरि मां तव्हांखे चवां भला त हीउ वेक्टर रिज़ोल्व करे ॾियो त हीउ बि न थींदो पर तव्हांखे चवां हीउ वेक्टर रिज़ोल्व करे ॾियो त हीउ थींदो अगरि मां तव्हांखे चवां हीअं वेक्टर रिज़ोल्व करे ॾियो त हीउ थींदो छो जो हीउ टई वन डायमेंशनल जा एग्ज़ाम्पल्स आहिनि ओके त हाणे मां अचां पियो त कहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो हिन वेक्टर खे रिज़ोल्व करे सघे थो हाणे असां हिन वेक्टर खे ट्रोड़ियूं पिया घणनि हिसनि में ट्रोड़ियूं था पाण टॉपिक पढ़ियो आहे प्लेन प्लेन जो मक़सदु आहे त असां हिन रिज़ोल्यूशन ॿिनि हिसनि में पिया कयूं ॿिनि एक्सिस में पिया कयूं अच्छा रिज़ोल्यूशन हाणे जॾहिं कयूं था हिन वेक्टर खे स्प्लिट अप पिया कयूं ॿिनि हिसनि में त हिनखे मां ॿ लाइन्स में शो पियो कयां हाणे हिते ई असां न हिकिड़ो कोआर्डिनेट सिस्टम चूज़ पिया कयूं चूज़ अ कोआर्डिनेट सिस्टम इहो बाक़ाइदा मूंखे लिखिणो हुयो पर टाइम घटि आहे ऐं बोर्ड जी घटिताई हुअण जे करे मां हिनखे न पियो लिखां थी त हिते असां सपोज़ पिया कयूं हिन वेक्टर खे ट्रोड़ियां थो छो जो हिनजो इफेक्ट एक्स में बि मौजूदु आहे वाए में बि त हिते हिकिड़ो कोआर्डिनेट सिस्टम सेट पियो कयां लाइक दिस दिस इज़ ए पॉज़िटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ ए पॉज़िटिव वाए एक्सिस लाइक दिस नाउ दिस इज़ अ पॉज़िटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ अ पॉज़िटिव वाए एक्सिस असां वटि जेको हीउ वेक्टर एफ आहे इहो एक्स में लोकेट करे पियो छो जो हिन इफेक्ट एक्स में आहे त हिनखे मां कुझु एक्स में ड्रॉ पियो कयां लाइक दिस हीउ वेक्टर एफ आहे एफ एक्स में हिनजो इफेक्ट आहे हुन करे हिनखे रिज़ोल्व थो कयां बिल्कुलु हिनजे साम्हूं हिकिड़ो वेक्टर पियो ड्रॉ कयां लाइक दिस ऐं एफ जो इफेक्ट एक्स में मौजूदु आहे हुन करे हिनखे नालो थो ॾियां एफ एक्स दिस इज़ अ हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हॉरिज़ॉन्टल आहे अहिड़ी तरह अगरि वर्टिकल मां ड्रॉ थो कयां लाइक दिस बिल्कुलु हिनजे साम्हूं ई त असां वटि हीउ थी वेंदो एफ वाए हाणे हीअ जेका मां रिज़ोल्यूशन कई आहे एफ एक्स ऐं एफ वाए में हिन सिंगल वेक्टर खे ॿिनि हिसनि में ट्रोड़ियो आहे इन प्रोसेस खे चयो वेंदो आहे रिज़ोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन हाणे हीअ जेके मां ट्रोड़िया आहिनि फंक्शन एफ एक्स ऐं एफ वाए इहे कहलाइबा आहिनि कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इहे कहलाइबा आहिनि कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इहे हिन वेक्टर जा कंपोनेंट्स कहलाइबा कंपोनेंट्स मीन्स हिसा मसलन मां पंहिंजो पाण खे सपोज़ कयो हिकु वेक्टर तौरु ट्रीट कयां पियो मां पंहिंजो पाण खे डिवाइड थो कयां लाइक दिस हाणे मुंहिंजो हीउ जेको मथियो हेड आहे इहो तव्हांखे वाए एक्सिस तौरु ट्रीट कंदो ऐं मुंहिंजो हीउ हैंड आहे हथु आहे त इहो तव्हांखे एक्स एक्सिस तौरु ट्रीट कबो माना मां सिंगल जेको आहे सो ॿिनि हिसनि में डिवाइड थी चुको आहियां हाणे हीउ जेको मुंहिंजो हथु आहे इहो मुंहिंजे जिस्म जो कंपोनेंट आहे माना हिसो आहे ओब्वियसली हीउ हिनखे धार कोन्हे हिनजो हिसो आहे त अहिड़ी तरह हिन सिंगल वेक्टर खे ॿिनि हिसनि में ट्रोड़ियोसीं इहो कहलाइबो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हाणे असांखे एफ एक्स ऐं एफ वाए जा वैल्यूज़ मालूम करणा आहिनि आख़िर इहे छाजे बराबरि आहिनि हाणे ॾिसो असां वटि जॾहिं एडिशन ऑफ वेक्टर तव्हां पढ़ी हूंदी त उन एडिशन ऑफ वेक्टर में न तव्हां टे प्रोसेस सिंटेक्स बुक वारा पढ़ाया आहिनि हालांकि चार थींदा आहिनि एडिशन ॿिनि क़िस्मनि जी थींदी आहे वेक्टरनि जी हिकिड़ी थींदी आहे ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल एडिशन ऐं ॿी थींदी आहे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल एडिशन में असां वटि टे प्रोसेस मौजूदु आहिनि जेकी सिंटेक्स बुक वारा ॾिना आहिनि
हिकड़ो हूंदो आहे हेड टू टेल रूल मेथड, जंहिंखे टिप टू टेल रूल मेथड बि चयो वेंदो आहे। ॿियो हूंदो आहे पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। टियों हूंदो आहे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पर अञा हिकिड़ो चोथों ई पढ़ायो वेंदो आहे जंहिंखे चवंदो आहे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। असां छा पिया यूज़ कयूं, हीउ जेको वेक्टर जो असां डायग्राम ठाहियो आहे, त असां थोरो पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन खे थोरो सिलेक्ट पिया कयूं। कहिड़ी तरह सां सिलेक्ट पिया कयूं? ॾिसो, जेकॾहिं हीउ वेक्टर एफ एक्स आहे, त अहिड़ी लाइन जेकॾहिं मां डार्ट्स में हिते मथे शो कयां त हीउ छा कहलाइबो? ओब्वियसली हीउ बि एक्स एक्सिस हूंदो। हीउ एफ एक्स आहे त अहिड़ी लाइन मथीं हीअ बि एक्स एफ एक्स हूंदी। अगरि हीउ एफ वाई आहे त अहिड़ी लाइन हिकिड़ी मथे ड्रा थो कयां त हीअ बि छा हूंदी? हीअ बि हूंदी एफ वाई। हाणे असां ॾिसो त हिन ॼण त हीउ हिकिड़ो रेक्टेंगल ठही वियो, हिकिड़ो स्क्वायर फॉर्म में अचे वियो। हाणे असांखे ॿ ट्राइंगल मिलिया, हिकिड़ो हेठियों पोर्शन, ॿियो मथियों पोर्शन। हिते जेका पॉइंट ॿुधाइण वारो आहे, हिते इलाही इंपॉर्टेंट पॉइंट अथव जेका मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स में कमु ईंदी अथव, इनखे थोरो सम्झो। हिते ॾिसो, जेकॾहिं हेठियनि ट्राइंगल खे खणूं त हीअ आहे ट्राइंगल नंबर वन, हीअ आहे ट्राइंगल नंबर टू। हेठियनि ट्राइंगल खे जेकॾहिं खणंदासीं त हिते असांखे ॿ एंगल्स पई मिलनि। हिकिड़ी पई मिले एंगल ओ हीअ, जेका डाउनवर्ड डायरेक्शन में था खणूं। ॿी एंगल पई मिले मथीं, जेका अपवर्ड डायरेक्शन में पिया खणूं। हिते ॿ लफ़्ज़ मां यूज़ थो कयां। हीअ जेका एंगल डाउनवर्ड आहे, इन जे लाइ लफ़्ज़ थो यूज़ कयां विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ऐं हीअ जेका मथीं एंगल खणां पियो, इनखे थो चवां विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। असां वटि सिंटेक्स बुक में जेका डेरीवेशन करे पियो, उहो बि करे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। पर कोशिशि कयूं था पाण ॿई करे वठूं। हाणे छा पिया कयूं, असां हिकिड़े हेठियां ट्राइंगल खे सिलेक्ट करे था वठूं। हितो लिखां थो सिलेक्टिंग ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू वन। पर हीउ छाजे हिसाब सां खणूं था? विथ रेस्पेक्ट एक्स एक्सिस। हीउ जेके मां लफ़्ज़ लिखां थो, इहे एंट्री टेस्ट जे लाइ इलाही इंपॉर्टेंट अथव। अगरि तव्हांखे चवे कोई बि त को हिकिड़ो वेक्टर आहे, उहो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंगल ड्रा पियो करे, त उन लाइ फार्मूला खपे। पर को तव्हांखे चए विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस ड्रा पियो, उन लाइ फार्मूला खपे, त हिन लाइ मालूम करे वठूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जे लाइ हेठो ट्राइंगल आहे, मथे खे ख़तमु करे छॾियो। हाणे हेठो बचो ट्राइंगल, हेठो ट्राइंगल मां ड्रा पियो कयां। कहिड़ी तरह सां ड्रा पियो कयां? ॾिसो, हाणे इन लाइ मां जेको आहे सो को हीअं लाइन पियो कढां। हीउ जेको ट्राइंगल आहे हेठियों, इहो ड्रा पियो कयां, ऐं हीअ लाइन, हीअ लाइन कंहिं लाइ बि उहो हीअ एफ एक्स, त हीअ असां वटि थी वियो एफ एक्स। अहिड़ी तरह हीअ मथी लाइन एफ वाई, त सर ही मथी लाइन असां वटि थी पई एफ वाई। अहिड़ी तरह हीअ विची लाइन दैट इज़ एफ, त असां वटि ओ हीअ लाइन कंहिं लाइ बि एफ वेक्टर। ठीकु आहे, त हीउ हेठो मां ट्राइंगल सिलेक्ट कयो आहे। अहिड़ी तरह जेका हीअ एंगल हूंदी, या एंगल हूंदी विथ रेस्पेक्ट पॉज़िटिव एक्स एक्सिस। असां जेका डेरीवेशन कयूं पिया, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उहा पिया कयूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। त इहा शइ थोरी ज़हन में हुजे। हाणे ट्रिग्नोमेट्री जो उसूल आहे त अगरि 90 degree जे एंगल जे साम्हूं वारो पासो, उहो हमेशह जेको आहे हीअ 90 degree आहे, छो जो एक्स ऐं वाई जे बिटवीन ही असां वटि राइट एंगल ट्राइंगल ठहे पियो। 90 degree जे साम्हूं वारो पासो हमेशह कहलाइबो आहे हेपाटीन्यूस। इनखे एच सां रिप्रेजेंट कयां पियो। अच्छा, ऐं हीउ थी वियो हेपाटीन्यूस, त ओब्वियसली हीउ थी वेंदो असां वटि बेस, ऐं हीउ थी वेंदो असां वटि परपेंडिकुलर। ठीकु आहे, त इहे असां वटि कुझु शयूं मिलनि पई। अहिड़ी तरह असां वेक्टर कहिड़े खे रिज़ोल्व कयो आहे? असां वेक्टर रिज़ोल्व कयो आहे उहो हिन हेपाटीन्यूस खे। अच्छा, अगरि असां जेकॾहिं हेपाटीन्यूस खे रिज़ोल्व कयो आहे, त पोइ छा थींदो? जो असां परपेंडिकुलर खे हेपाटीन्यूस सां जेकॾहिं रिलेशनशिप करायूं, असां जेकॾहिं परपेंडिकुलर खे हेपाटीन्यूस सां रिलेशनशिप कराईंदासीं, त असां वटि कुझु इहा सिचुएशन मिलंदी त देट इज़ साइन थीटा देट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हेपाटीन्यूस। नाउ दिस साइन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हेपाटीन्यूस। इट मीन्स द वेक्टर दैट यू हैव रिजॉल्व्ड, इट मे बी इन द टू कंपोनेंट्स, एंड दीज टू कंपोनेंट्स कैन बी इफेक्टेड ओवर द हेपाटीन्यूस। यानी असां वटि हीउ जेको वेक्टर एफ मिले पियो, इनखे तव्हां ॿिनि हिसनि में डिवाइड कयो, हिकिड़ो परपेंडिकुलर, ॿियो बेस। हाणे परपेंडिकुलर खे हेपाटीन्यूस सां रिलेट पिया करायूं, पोइ वरी बेस खे हेपाटीन्यूस सां कराईंदासीं। असां जेकॾहिं परपेंडिकुलर खे हेपाटीन्यूस सां रिलेट कराईंदासीं, त असां वटि ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा मिले पियो फंक्शन। ओके, त दिस इज़ साइन थीटा, ऐं हिते परपेंडिकुलर कहिड़ो आहे? हिते परपेंडिकुलर आहे एफ आहे, ऐं हेपाटीन्यूस कहिड़ो आहे? उहो आहे एफ। हिन जी जेकॾहिं बी सी एम कंदासीं, हिन हेॾो कुझु कोन्हे, माना वन आहे, त असां वटि बी सी एम जेका बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मिले पई, उहा मिलंदी असां वटि एफ वाई इज़ इक्वल टू एफ साइन थीटा। दिस इज़ दी वेरी वर्सटाइल इक्वेशन दैट कैन बी यूज। हीअ असां वटि हिकिड़ी इक्वेशन मिली, इक्वेशन नंबर वन। अहिड़ी तरह अगरि तव्हां बेस खे हेपाटीन्यूस सां रिलेट कराईंदो, त पोइ असां वटि हिकिड़ो फंक्शन मिलंदो दैट इज़ कॉस थीटा, त उहो हेठियों अचे पियो पोर्शन, मथियों अचे। ओके, त मां उहो हेरो में लिखां। हाणे बेस खे जेकॾहिं हेपाटीन्यूस सां तव्हां रिलेट कराईंदा, त उहो छा थी पवंदो? उहो असां वटि रिलेशनशिप मिले कॉस थीटा, कॉस थीटा इज़ इक्वल टू बेस ओवर हेपाटीन्यूस।
एडी तरह असा वट बेस इते एफ एक्स आ करे बेस पे खणा एफ एक्स हाइपोटेन्यूज असा वट एफ आ दिस इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल एफ एक्स ओवर एफ हाने सा के एफ एक्स खपे त बीसीएम कदा सी जारी गला आते भी त एफ एक्स के 1 सा मल्टीप्लाई करना सी थी दो एफ एक्स एफ के cos थीटा सन थी दो एफ cos थीटा त एफ एक्स बराबर थियो एफ cos थीटा जे त असा वट ही एकडो फंक्शन मिलियो एफ एक्स इज इक्वल एफ cos थीटा दिस इज इक्वेशन नंबर 1 दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हाँ ही असा वट बई इक्वेशंस मिली पर एकडी इंपॉर्टेंट पॉइंट ता के बुझान चाहे पियो त एकडी शे ज़हन में रखी छियो वा केडी शे ज़हन में रखदा त ही जगह एफ वाई इज इक्वल टू एफ sin थीटा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ cos थीटा ये हमेशा जला न हुंदी त एफ एक्स एफ cos थीटा तरे थीदी एफ वाई एफ sin थीटा तरे थीदी जरे असा एंगल खई विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल न खणो आ त ही रिजल्ट्स न मिलंदा याद करे छियो हमेशा एफ वाई एफ sin थीटा बराबर न हुंदो एफ वाई करे एफ cos थीटा बराबर हुंदो वो कदे जदे असा ट्रायंगल नंबर 2 सिलेक्ट करना से ठीक है थैंक यू सो मच इंशाल्लाह जरे मां इत थोरी आखरी पॉइंट्स बुधाया पियो ही ता पाण करे छियो ट्रायंगल नंबर 2 सिलेक्ट कला त उन में ता अटे मां एकडी पॉइंट्स लिखा पियो ऑन टाइम थोरो गड़जी होए उन करे वे लिखा पियो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव वाई एक्सिस जेकर ता खणदा त एंगल ट्रायंगल मतो सिलेक्ट कर ही डेरिवेशन करदा तो पोता के एफ एक्स एफ sin थीटा एफ cos थीटा नंबर दो तो एफ एक्स एफ sin थीटा नंबर दो एडी तरह एफ वाई खणदा तो वो एफ वाई एफ sin थीटा हुंदो पर इते थी दो एफ cos थीटा तो ही जो को ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है हां इन के चाहिए दो रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन या शे सीखी जी त कई भी का सिंगल वेक्टर के बिन हिस्सन में की डिवाइड करे एकडो थियो एफ एक्स बियो थियो एफ वाई ए केडी तरह सा सा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस खणो पिया केडी तरह सा वाई एक्सिस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पाण सकंदा सी त ये जकी वेक्टर्स या कंपोनेंट्स प्रोडे आइन अगर इनन शेन के जोड़ियो वने उन के जे विदा कंपोजिशन ऑफ वेक्टर थैंक यू सो मच वो इंशाल्लाह नेक्स्ट थैंक यू